Hey guys, welcome back to Lakshiga's Living. आज का जो ये हॉल वीडियो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है सारी साइट्स पे ऑनलाइन लाइक सेल चल रही है, मिंत्रा पे, आजियो पे एंड मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे. तो अभी मेरा जो रिसेंट फेवरेट चल रहा है वो फ्लिपकार्ट चल रहा है. तो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्लिपकार्ट से लिए हैं, बट एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मिंत्रा और मीशो से भी ट्राई किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली इसमें सब एथनिक वेयर्स ही हैं. तो सबसे पहले मैं मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो दिखा देती हूँ. ये है दस, और ये प्रोडक्ट मैंने लिया भी मिंत्रा से है. लाइक ये ऑनलाइन ही है, बट मतलब दूसरे साइट्स पे है भी नहीं, सिर्फ मिंत्रा पे ही है. तो बेसिकली ये एक एथनिक सेट है. मैरून कलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी अपकमिंग थोड़े से फेस्टिवल्स आएंगे, लाइक जो भी नवरात्रि दिवाली टाइप. तो कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन वेयरिंग साड़ी सूट, तो बट कुछ रेड अच्छा लगता है इस तरह से. तो ये एक एथनिक सेट है. ये इन्होंने टॉप दिया है, स्ट्रैप वाला एक टॉप है, मैं बताती हूँ. और थोड़ा क्रॉप टॉप टाइप ही है ये, बहुत लेंदी नहीं है बट अच्छे से फिट हो जाता है. पहले ये टॉप है एंड इसके ऊपर ये जैकेट है, श्रग टाइप. मैं साइड में पिक्चर डाल दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप इसको स्टाइल कर सकते हैं. इस तरह का कुर्ता है ये. तो कुर्ते में बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं इस तरह से, तो ये देख सकते हैं आप, लेंदी कुर्ता है काफ़ी. श्रग है ये, दिस इज़ नॉट एक्चुअली कुर्ता, तो ये उसके ऊपर ही आएगा. और जैसे नॉर्मली होता है कि जैकेट जिस तरह से ये अंदर टॉप देते हैं तो जैकेट ओपन रखते हैं, तो ये ओपन नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके से ही आप वेयर कर सकते हैं. बट मैंने इसको इस तरह से भी स्टाइल किया था, ये जो नोट्स आती है ना इसकी बॉटम को, इसको दुपट्टा टाइप, तो मुझे ये भी बहुत प्रिटी लगा. और अगर इसके फैब्रिक की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं, हाथ में लेके पता चल रहा है बहुत सॉफ्ट सा जॉर्जेट है ये, मतलब जो ए ग्रेड जॉर्जेट होता है वो है. और प्राइस की बात करें तो इसका MRP तो 3500 है आई थिंक, बट मुझे डिस्काउंट पे ये सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिला है. सो आई ग्रैब द डील, 1000 रुपीज़ में वर्थ है. लाइक अगर आपको ये श्रग भी नहीं पहनना ना, तो ये जो ब्लाउज टाइप इसका जैकेट है और इसकी ये पैंट है, तो मतलब मरून और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है. बहुत सारी चीज़ों के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. एंड ये एक अच्छे से फैब्रिक की पैंट है, और पैंट बहुत फिटेड नहीं है, थोड़ा प्लाजो फिट है, तो मतलब कंफर्टेबल है. और ऐसा पहनने के बाद भी ऐसे जो स्टिचिंग का प्रॉब्लम रहता है कि खिंच रहा है या टाइट लग रहा है, वो सब नहीं है. बहुत प्यारा पीस है. दुपट्टा नहीं आता इस पर, सिर्फ ये जैकेट और वो अंदर वाला टॉप एंड देन पैंट, ठीक है. तो वो अभी शायद प्राइस बढ़ गई है उसके, बट वो मैंने मिंत्रा से ही लिया था. अभी भी सेल चल रही है तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. एंड जो सेकंड है, मैंने अपने बर्थडे वाले ब्लॉग में एक डाला था, धोती सेट मैंने लिया था, वो किससे था, अनोख से था. तो उसका क्या प्रॉब्लम था, उसका जो कुर्ता था एक तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, एंड सेकेंड वो आकंडी टाइप में था, मतलब जो टिशू टाइप होता है, तो उसको पहनने के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा और हैवी लग रही हूँ मैं, तो इसलिए नहीं मैंने लिया. और प्लस अभी गर्मी है तो कॉटन ही प्रेफर करते हैं, वो थोड़ा सा जॉर्जेट इसलिए कि वो मैंने फेस्टिवल वेयर के हिसाब से लिया है या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे, तो मैंने उसको रिटर्न करके फिर मैंने दोबारा से ये लिया क्योंकि मुझे थोड़ा स्काई ब्लू टाइप में ही चाहिए था. तो दिस इज़ द कुर्ता. अभी मैंने ये क्लोथ्स वॉश नहीं किए हैं क्योंकि वॉश करते फिर आयरन कराने पड़ते और इसी तरह व्लॉग लेट हो जाता. तो ये कुर्ता है, ये मैंने लिया है स्टाइलम से, बहुत प्यारा कुर्ता है. लाइक इसको आप नॉर्मल अगर ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, मतलब ड्रेसेस पहनते हैं तो एज अ ड्रेस भी पेयर कर सकते हैं. तो ये कुर्ता है, गोटा पट्टी का वर्क है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, लाइक ऑल टाइम, ठीक है. एंड प्लस कॉटन कलर आप देख सकते हैं, बहुत क्यूट है, फ्लेयर भी बहुत प्यारा सा है, और उसके साथ ये धोती पैंट है. तो धोती पैंट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट. मेरा पहला ये वाला जो मैंने पहना हुआ है ये धोती पैंट था, ये मैंने एक व्लॉग में शेयर भी किया था, ये लिबास से था, तो उसको देखते हुए मैंने ये लिया, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं. तो दिस इज़ द सेकेंड. और इसका जो कपड़ा है वो एक थिक क्वालिटी का जो रेयन आता है वो है, प्योर कॉटन नहीं है, कुर्ता प्योर कॉटन है. और अच्छा है, अगर प्योर कॉटन होता है ना तो धोती वगैरह जल्दी फटने का रहता है. तो ये ऐसा है कि नॉर्मली आप दूसरे कुर्तों के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, कलर भी बहुत प्यारा है. तो मैं दिखाती हूँ इस धोती का मुझे कितना बेनिफिट हुआ है. तो मैंने ये लिया था एंड फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ये कुर्ता भी लिया था सेल में. तो इसका प्राइस मैंने नहीं बताया, ये 740 का है. और अब अभी भी अमेज़ोन पे चेक करो ये तो 1000 का है, बट मैंने फ्लिपकार्ट से लिया डिस्काउंट पे, तो 740 या 36 में मुझे पड़ा है. और मिंत्रा पे भी एक्सपेंसिव ही था, बट फ्लिपकार्ट पे प्राइस रीजनेबल मिलते हैं इसलिए वो मेरा फेवरेट हो गया अभी. तो ये सेल के प्राइस बता रही हूँ मैं आपको, वैसे तो वो भी 2500-3000 का है. तो एक ये कुर्ता है, ये कुर्ता गाइस बहुत पुराना है, मतलब मैंने ये कुर्ता शायद लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन देखा था, बट तब ये आउट ऑफ स्टॉक था.
ठीक है, और ये एक्सपेंसिव भी था काफ़ी। तो ये इस तरह का टैसल्ड कुर्ता है, नीचे पूरे में टैसल लगी हुई है इसमें, एंड ये एम्ब्रेला शेप में है, कुछ सी शेप में, यू कैन सी इस तरह से शेप आ रही है इसकी, ये यहाँ पे है। तो ये इस तरह का शेप है, जीन्स के साथ नॉर्मली आप इसको पैर कर सकते हैं। ये धोती के साथ मैंने पैर किया था, बहुत अच्छा है। और इसकी जो ये वेस्ट है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे स्लीव्स के जस्ट नीचे यहाँ पे इन्होंने टाई करने के लिए डोरी दी हुई है, तो बहुत प्यारी सी रेड कलर की डोरी है इसमें, तो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको टाई कर सकते हैं। तो ये कुर्ता, इसका MRP इन्होंने पता नहीं, यहाँ नहीं लिखा हुआ MRP इसका, कुछ ऐसे ही था 800-900, बट ये भी मुझे 450 में मिला है फ्लिपकार्ट से, तो 450 या 500 मतलब मैक्स, तो वर्थ है ये भी। और इसी को मैंने फिर इस वाली धोती के साथ, जो मैंने इस कुर्ते के साथ ली उसके साथ पैर किया, तो ये इसके साथ भी बहुत प्रेटी लुक दे रहा था। एंड प्लस इस धोती के साथ ही मैंने एक और, ये एक नॉर्मल वाइट कुर्ता लिया है, क्योंकि मेरे जो नॉर्मल सूट्स वगैरह हैं वो सब पुराने जो थे वो सब टाइट हो गए, डोंट नो वाई, सिर्फ स्लीव से, तो इसलिए मैंने एक दो कुर्ते वाइट लिए हैं, अभी कोई आ ही नहीं रहा था। तो ये देख सकते हो आप कितना प्यारा कुर्ता है, बहुत बहुत प्यारा सा वर्क है, चिकन तो नहीं कह सकते बट थ्रेड वर्क है बहुत प्यारा सा, और रेयन फैब्रिक है। एंड ये मैंने वॉश किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि धुलने के बाद ये श्रिंक ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनफैक्ट ये थोड़ा सा लूज़ है मुझे बट अच्छा लग रहा था। तो ये कुर्ता गाइज मैंने लिया है मीशो से, आई थिंक 340 में, 300 रुपीज़ में, तो दिस वॉज ऑल्सो अ डील। एंड यू कैन सी ये फुल लेंथ कुर्ता है, और इसके साथ पेयर किया तो भी ये बहुत प्रिटी लग रहा था। तो इस धोती को तो मैं बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि इसका फैब्रिक भी ऐसा है कि जल्दी से लाइक रफ नहीं होगा। तो आई हैव शोन यू दैट 4 आइटम्स आई गेस, एक और दिखाती हूँ। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ये वाला कुर्ता सेट ना ऑनलाइन, मतलब मीशो से लेके मिंत्रा तक, और अलग अलग ब्रांड नेम से आ रहा है, अलग अलग कलर्स में आ रहा है, स्काई ब्लू में भी है और वाइट और पिंक में भी है। तो मेरे पास कोई भी अनारकली ये जो फिट वाले कुर्ते होते हैं वो नहीं थे, तो आई थॉट के आई मस्ट गिव इट अ ट्राई। तो ये कुर्ता सेट मैंने लिया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है गाइस, यू कैन सी कितना प्यारा कॉटन है। एंड ये सस्ता तो नहीं है बट हाँ अच्छे हैं डेली वेयर में भी, थोड़ा बहुत ओकेजन हो कोई पूजा वूजा के लिए। तो दिस इज़ द कुर्ता, नीचे इसमें गोता पट्टी दिया हुआ है और बहुत प्यारा सा फ्लेयर है, कुछ भी ऐसा नहीं है, फैब्रिक बहुत प्यारा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ऐसे भी आप इसे कुर्ती ड्रेस की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं। और इसमें मैंने एल साइज़ लिया, तो थोड़ा सा लूज़ है मुझे एल साइज़, मुझे लग रहा है मीडियम भी चल जाता। तो ये कुर्ता है इसका, ये इसके साथ कॉटन का दुपट्टा भी है सी, तो ये वो जो रिवाइव डाल के कॉटन के दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं, ये वो वाला दुपट्टा है, मतलब रिवाइव डाल के थोड़ा और इसमें ग्रेस आ जाएगा, अभी तो ये धुलने के बाद सॉफ्ट हो गया, वो ये मैंने वॉश किया था। तो ये इस तरह का कुर्ता है, कुर्ते में कुछ भी पाइपिंग जैसा नहीं है, नॉर्मल इन्होंने वो जो क्या बोलते हैं इसको इंटरलॉक टाइप करके दिया हुआ है, दैट्स इट। ये कुर्ता है, फुल लेंथ दुपट्टा है, और ये इसका बॉटम है प्रिंटेड, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा है, हालांकि मैंने इनको आयरन में अभी नहीं दिया तो उसके बाद थोड़ा और ग्रेस आएगी, बट आई वॉज लाइक कि पहले मैं शेयर कर दूँ ताकि आप लोग जाके ऑनलाइन जो सेल चल रही है वहाँ से परचेज कर सके, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट करती ना मैं तो फिर वो सेल चली जाएगी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब करा है। बट एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि रिटर्न करानी पड़ती हैं या फिर लेट आती हैं, फिर थोड़ा सा ट्रायल रहता है कि कोई चीज़ वॉश करके देख लो प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब नॉर्मली ऐसे हैं कि आई कैन से के वर्थ है। और वो मरून वाला सूट भी मैंने वॉश किया, उसका भी कलर नहीं निकला, वैसे भी वो जॉर्जेट है तो जॉर्जेट में नॉर्मली नहीं निकलता है। तो लास्ट ये है, आई थिंक ये 5-6 चीज़ें ही मैंने ली थी। तो ये है एक कुर्ता, वाइट कुर्ता है अगेन ये भी, और ये एक्चुअली कुर्ती ड्रेस है, तो मतलब ड्रेस इन अ सेंस, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन काफ़ी शॉर्ट है और ये जो फ्लेयर है ये भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो आप इसको वाइट कुर्ती ड्रेस की तरह स्टाइल कर सकते हैं, और इसका एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है। तो ये कुर्ता अभी 550 में ही था, तो 550 में मैंने लिया है, ये मीशो से लिया है, और नॉर्मली मीशो पे हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट पहले उन्होंने डिफरेंट भेज दिया था, कुछ कर देते हैं वो कलर वगैरह का, फिर मैंने बाद में इसको चेंज कराया तो उन्होंने एग्जैक्ट पीस भेजा है, क्योंकि ये 500 में वर्थ था। लेकिन अब मीशो का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये सूट मैंने लिया था, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने लिया था
फ्लिपकार्ट से 750 में, ठीक है। तो फिर लेकिन जब मैं मीशो स्क्रॉल कर रही थी, मीशो की सेल थी, तो मैंने मीशो पे भी सेम सूट देखा, तो मीशो पे ये 450 या 500 में था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अगर सेम चीज़ मुझे मीशो पे सस्ती मिल रही है तो मैं मीशो से लूँगी। तो मैंने सेम सूट मीशो से ऑर्डर किया एंड सी व्हाट आई गॉट, मुझे मीशो से ये मिला है। तो मैं बताती हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। पहली बात तो आप देख सकते हो कि कलर का बहुत डिफरेंस है, ये पिंक है, ये उन्होंने रेड दिया, ठीक है, ये भी चल जाता। अब आप ना ध्यान से देख सकते हो इसके कॉटन में बहुत फ़र्क है, दिस इज़ प्योर कॉटन और ये जो है ये रेयॉन है, दिस इज़ नॉट कॉटन, ठीक है। और इसकी जो स्टिचिंग वगैरह भी है, जैसे ये सब है, ये बहुत पुअर है, मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक बार में खींचूँ तो निकल जाएगा। तो ये है और इस पर कोई भी ब्रांड का टैग नहीं है, और जो उस तरफ उसका कॉटन का फ्लेयर था इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें नीचे गोटा पट्टी दिखाई थी बट यहाँ दी नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे नो डाउट 530 में दिया है, बट वर्थ नहीं है। प्लस इसके साथ उन्होंने पैंट नहीं दिया, पैंट वो लोग दिखा रहे थे बट नहीं दिए, तो उन्होंने सिर्फ ये कुर्ता और ये अजीब से फैब्रिक का एक दुपट्टा भेजा है, मतलब अजीब सा ही है सी, ये जस्टिस नहीं हो रहा बट ऐसा लग रहा है जैसे निकल जाएगा इसमें से, बहुत हल्का सा फैब्रिक है, नेट नेट टाइप। तो ये भी कॉटन नहीं है, देख के समझ में आ रहा है, मतलब दोनों दुपट्टे का फैब्रिक आप देख सकते हो बहुत डिफरेंस है। तो मैंने लिया था ताकि आई वॉज़ लाइक के जब आप कोई परचेज कर रहे हो और सेल पे कर रहे हो तो यू मस्ट ग्रैब द बेस्ट, मतलब बेस्ट चीज़ आपको चीपेस्ट रेट पे मिल रहा है, मेन मेरा इंटेंशन वही होता है सेल का। तो ये उन्होंने बहुत घायात प्रोडक्ट दिया है, तो मैंने इसलिए लिया था कि ये भी मैंने साथ में ही ऑर्डर किया था, ये भी कर दिया था कि अगर यहाँ से अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट आया तो मैं फ्लिपकार्ट का रिटर्न कर दूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने अभी इसका रिटर्न डाला है, ये जस्ट मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा मीशो में क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है। तो आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई थिंक अभी है सेल एक दो दिन और, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। एंड ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने, एक दो चीज़ मैंने ऐसे भी जो विदाउट सेल भी लिए, तो उनके प्राइस भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं अभी, मतलब उतनी प्राइस पे आपको अभी भी मिल जाएगी। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड सारे जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता लोग कहाँ से सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, न्यू कमेंट्स आ रहे हैं, तो इट्स गुड टू सी, एंड होप यू विल फाइंड द मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सून। तो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।